something minimal access with depth interview is to reduce the incidence of incisional hernias. Surgical site infections, the most common and costly of all hospital-acquired infections, and I'm sure you have exactly the same problem here. They occur in 2 to 5% of patients with lots and lots of people. Surgery by hand, yes. It's still a very complicated thing and lots of people get injuries. What we have shown is that telescopic surgery, what we call minimal access surgery or keyhole surgery, reduces complications enormously. But we've also found that surgeons struggle to learn to do keyhole surgery because it's so difficult. So the idea of the robot is to make it easier for people to do keyhole surgery so the patients. आज KGM में University of Cambridge की टीम आई हुई है, यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का प्रस्ताव है. रोबोटिक सर्जरी एक नई तरह की सर्जरी है जो मिनिमल एक्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भिन्न है. इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली हम काम कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं और ऐसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ नॉर्मल लैप्रोस्कोप नहीं पहुँच पाता. और सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि आज की तारीख में ये रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी है और जो करंट सिस्टम रोबोटिक सर्जरी का है बहुत कम जगह है. इंडिया में भी मुश्किल से 5 सेंटर्स हैं और महंगा होने की वजह से आम जनता को उपलब्ध नहीं. इनका जो नया सिस्टम जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने बनाया है उसको ये KGM में लाना चाह रहे हैं. इसमें कॉस्ट बहुत कम है और इसको हम लोग बार बार यूज़ भी कर सकते हैं. लगा है और जगह वो अमेरिकन सिस्टम है, उसको डाविंची सिस्टम बोलते हैं. और उनका ये कहना है कि जो ये CMR सिस्टम है, जैसे कि हमने बताया, ये छोटा है और इसमें कम खर्च होता है, मरीज़ों के लिए ज़्यादा लाभदायक है. और KGM में हम लोग इसकी एक कार्यशाला भी करेंगे और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे और जिससे कि हम और सर्जन्स को उसमें ट्रेन कर सकें, इसको और पॉपुलर बना सकें और जनता के काम आ सकें.